वेलकम करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपॉप पे। जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पे बोट वॉच एक्सटेंड लॉन्च होने वाली है, मतलब यहाँ पे सेल पे जाने वाली है। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये सेल पे जाएगी और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो 299 रुपीस रहने वाला है। तो 3000 के अंडर ये वॉच बहुत ही बेस्ट साबित होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आपको माइक मिलता है, एलेक्सा का बिल्ट इन सपोर्ट मिलता है आपको, और साथ में यहाँ पे मेटेलिक आपको डायल मिलता है। जैसा कि ऑफिशियली तो मतलब मेरे को नहीं पता है, बट बहुत सारे चैनल पे या मतलब रिव्यूज़ पे मैंने पढ़ा है और साथ में यहाँ पे अपना भी कंक्लूजन निकाला है कि यहाँ पे आपको मेटेलिक मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा डायल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिस्प्ले है 1.69 इंचेस की मिलेगी आपको, और साथ में यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें नॉइस कलर फिट प्रो 3 से तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर इसकी जो बेजल्स है वो और ज़्यादा नैरो ही जैसे कि ऑफिशियली मतलब दिखाया गया वहाँ पे अमेजोन पे, तो बहुत ही बेटर रहेगा। अभी तक मेरा एक सेकंड प्रीव्यू आपने नहीं देखा है बोट वॉच एक्सटेंड के लिए, तो आप देख सकते हो जाके और डेफिनेटली वहाँ पे उस वीडियो को लाइक कर सकते हो। नॉइस कलर फिट प्रो 3 भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया था, तो देखेंगे इन दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। और साथ में यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे और साथ में यहाँ पे डिस्प्ले कंपैरिजन भी करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, क्लाउड बेस्ड वॉचेस के बारे में बात करेंगे और सारी की सारी बातें करेंगे। तो चैनल पे स्टिक रहिएगा, वीडियो पे स्टिक रहिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स आपको मिलती रहती हैं। टेकपोक नाम से चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे कम दाम में आपको डील्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों वॉचेस की। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोट में आपको 1.69 इंचेस की एलसीडी डिस्प्ले मिलती है 240x280 पिक्सल्स की, और कलर फिट में आपको जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा मिलता है 320x360 पिक्सल्स का, और 1.55 इंचेस की एलसीडी ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कलर फिट ने ज़्यादा अच्छा काम किया है एज कम्पेयर टू बोट। थोड़ा सा आगे बात करें यहाँ पे रेस टू वेक दोनों मिलता है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है और कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया है। यहाँ पे जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो भी दोनों की सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वहाँ पे कलर फिट शाइन करती है, 500 निट्स तक की आपको ब्राइटनेस मिलती है एज कम्पेयर टू बोट में आपको सिर्फ 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे ऑल एंड ऑल डिस्प्ले के मामले में कलर फिट को मैं हेड देना चाहूँगा, एज देना चाहूँगा एज कम्पेयर टू बोट। आगे बात करें यहाँ पे जो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस है वो अगेन कलर फिट प्रो 3 में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बोट, क्योंकि कलर फिट ने जब स्टार्टिंग में वॉच आई थी तो 25 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा मतलब अपडेट आया था, और उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा एज सच कोई अपडेट नहीं आया जिससे 100-150 वॉच फेसेस ऐड कर दे कंपनी। बोट की अगर मैं बात करूँ 50 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे जब आप वॉच को बाय करोगे, साथ में यहाँ पे गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। हम थोड़ा सा बात करें फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, अप टू 14 आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं और यहाँ पे डेडिकेटेड आपको स्विमिंग मोड भी मिलता है। यहाँ पे IP68 की वाटरप्रूफ रेटिंग मिल जाती है, 580 आपको वाटरप्रूफ मिल जाती है वॉच, मतलब 50 मीटर तक आप सबमर्ज कर सकते हो अप टू 30 मिनट्स, तो यहाँ पे वाटरप्रूफ भी मिल जाती है दोनों ही वॉचेस। कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 80-85% आपको मिल जाएगी दोनों ही वॉचेस में। थोड़ा सा आगे बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर, जायस्कोप सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर दोनों में ही मिल जाता है, तो यहाँ पे SpO2 लेवल्स का सपोर्ट दोनों में ही अवेलेबल। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, मे बी इन बोट में फ्यूचर अपडेट में जो एलेक्सा बिल्टिन है तो माइक बिल्टिन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक अवेलेबल करा दे कंपनी, बट एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा ऑफिशियल कंपनी ने नहीं बोला है। फुल टच डिस्प्ले मिलता है दोनों का ही, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों में ही मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे 10 मीटर तक की रेंज आपकी कंफर्म हो जाती है। फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है आपको बोट में, और कलर फिट में भी आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, कलर फिट में भी म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन भी मिल जाता है। बोट में कैमरा शटर बटन थोड़ा सा मिसिंग है बट यहाँ पे एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट है जो कि कलर फिट में मिसिंग है। आगे बात करें एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात करें यहाँ पे जो डेडिकेटेड एप्लीकेशन है दोनों ही वॉचेस की, तो आप सर्च कर सकते हो अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो कि आपके वॉच आपके फ़ोन में वॉच पेयर होगी कि नहीं होगी, आप iOS स्टोर पे चेक कर सकते हो, बोट वेव एप्लीकेशन अवेलेबल है तो पेयर हो जाएगी। कलर फिट की बात करें तो नॉइस फिट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या फिर आपको iOS स्टोर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलता। कलर फिट में थोड़ी सी रैम कम है बट बोट में वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एज कुछ सच आपको कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे जो UI है वो कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों में ही, तो यहाँ पे टिपिकल जो वॉचेस में आता है वही यूज़ किया गया, कुछ यहाँ पे यूनिक नहीं दिया गया है। आगे हम बात करें सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, और गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस 2 घंटे में करीब करीब फुल चार्ज हो जाती हैं, और साथ में यहाँ पे जो 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम वो तो है ही अवेलेबल दोनों में। 300 mAh बैटरी का यूज़ किया गया बोट में एज कम्पेयर टू कलर फिट में 210 mAh बैटरी का ही यूज़ किया गया है, और साथ में
आई गेस 210 mAh बैटरी का नहीं यूज़ किया गया, थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें बैटरी कैपेसिटी, ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डे टू डे यूजेज अगर बताएं बात करें तो ऑन द पेपर यहाँ पे बोट 12 दिन का रन टाइम क्लेम करती है और कलर फिट आपकी 8 दिन का रन टाइम क्लेम करती है। थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है दोनों में ही, साथ में यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ, अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, मतलब ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिया, सिर्फ आप स्टेप्स काउंटिंग कर रहे हो और साथ में आप टाइम देख रहे हो, तो यहाँ पे 5 दिन का आपको टाइम दे देगी रन टाइम बोट और कलर फिट आपकी 4 दिन तक चल जाएगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रख दिए, 24/7 हार्ट रेट भी ऑन कर रखी है, साथ में आप स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो और साथ में आप डिस्टेंस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे 3-4 दिन बोर्ड चल जाएगा और कलर फिट आपकी 2-3 दिन तक रन कर जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में भी दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है आपको। आगे बात करें मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको सबसे पहले हार्ट रेट स्कैनिंग मिल जाता है, SpO2 लेवल्स मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स को आप मेजर कर सकते हो, साथ में स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है और कैलोरी बर्न स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे सैनिटरी रिमाइंडर का ऑप्शन एक्सटेंडेड है और ब्रीद रिलैक्स का मोड भी मिल जाता है, बट यहाँ पे हैंड वॉश रिमाइंडर कलर फिट में मिलता है, एज कम्पेयर टू बोट में वो फीचर नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड मटेरियल और लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोट या कलर फिट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर फिट हल्की है एज कम्पेयर टू बोट, क्योंकि कलर फिट आपकी ऑल एंड ऑल पॉलीकार्बोनेट की आती है, जो हार्ड प्लास्टिक होती है आपकी, और साथ में यहाँ पे जो स्ट्रैप साइज है वो 22 mm है, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है दोनों में, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे वॉच डायल जो है वो बोट का, आई गेस एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो पहला प्रीव्यू बनाया था वहाँ पे मैंने पॉलीकार्बोनेट बोला था, बट एक्जैक्टली जब ऑफिशियली जब मैं इसको बाय कर लूँगा तभी आपको बता पाऊंगा कि मेटल डायल है या फिर आपका पॉलीकार्बोनेट है। बेस पॉलीकार्बोनेट का दोनों को मिल जाता है, तो यहाँ पे बिल्ड मेटल दोनों का ही सिमिलर है अभी एज ऑफ नाउ इस वीडियो में, बट मे बी जब इसका अनबॉक्सिंग करूँगा तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा कि बोट में आपको मेटेलिक मिलता है डायल या फिर पॉलीकार्बोनेट का। और अगर आपको दोनों में से कोई सी वॉच बाय करनी है तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कलर फिट अवेलेबल है आपकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे ही, 4000 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में 3500 रुपीज़ में मिल जाती है, और अगर आपको लो प्राइस में बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, 3400-3300 रुपीज़ में भी आपको मिल सकती है। बोट की अगर मैं बात करूँ 3000 रुपीज़ में ये सेल पे जाने वाली है, और साथ में आप डेफिनेटली इसको ऑन द सेल बाय कर सकते हो, नेक्स्ट वीक तक ये प्रोबेबली आ जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।